हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज हम साइट विजिट करेंगे एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की और बिल्डर के बारे में जानेंगे, लोकेशन के बारे में जानेंगे और कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे और आसपास में क्या फैसिलिटीज है वो सारी ही चीज़ें जानेंगे। आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, इसमें जो बिल्डर रहेगा GLS का प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 92 के अंदर, जो कि 92 में ऑलरेडी GLS का प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जिसकी पजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें फैमिलियाँ रह रही हैं पिछले 1.5 से 2 साल से, जिसमें 1 BHK, 2+ स्टडी और 3+ स्टडी के अंदर फैमिलियाँ रह रही हैं। अभी जो अपार्टमेंट आ रहे हैं वो एक एक्सटेंशन ही है, जिसमें 2 टावर आ रहे हैं, 2 BHK और 3 BHK, 2 तरह के अपार्टमेंट रहेंगे। और इसकी अगर पजेशन की बात करते हैं तो पजेशन का टाइम रहेगा केवल यहाँ पे 2 साल का, 2 साल में आपको पजेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो प्राइस आ जाएगा 2 BHK का 20 लाख रुपए और 3 BHK का 28 लाख रुपए। तो 2 तरह के अपार्टमेंट हैं, जो सबसे अच्छी बातें बता रहा हूँ, केवल 2 साल में पजेशन है। वो क्यों है, केवल 2 ही टावर लेके आ रहे हैं, एक्सटेंशन है, 92 में ऑलरेडी पजेशन। और जो आज की हमारी साइट विजिट रहेगी वो रहेगी DLF का जो प्रोजेक्ट आया हुआ सेक्टर 93, वहाँ से हम साइट विजिट करेंगे। और बिल्डर, जैसे कि मैंने बताया आपको, बिल्डर रहेगा GLS, 2 ही टावर हैं और 2 तरह के इसमें अपार्टमेंट हैं, 2 BHK और 3 BHK, जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 20 लाख रुपए 2 BHK और बाकी का जो 3 BHK 28 लाख रुपए का। टोटल इसमें 5% देके आप बुक करा सकते हो। और टोटल लोन की मैं बात करता हूँ तो लोन आप 90% तक आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और आसपास में फैसिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो अच्छी खासी यहाँ पे फैसिलिटीज आ जाती हैं। जैसे अगर स्कूल की बात करता हूँ तो किसी भी तरह का स्कूल ले लो, जैसे सेक्टर 92 के अंदर यदुवंशी स्कूल आ जाएगा, फिर RPS इंटरनेशनल 89 के अंदर आ जाएगा, फिर सेंट जेवियर आ जाएगा सेक्टर 81 के अंदर, और DPS आ जाएगा 84 में, और 87 सेक्टर में यूनिवर्सिटी बननी है 2, MIT यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ये आ गई हमारा यूनिवर्सिटी और स्कूल। बात करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल की, तो सेक्टर 92 के अंदर ही हॉस्पिटल लोकेटेड है, सेक्टर 90 के अंदर RV हॉस्पिटल और सिल्वर स्ट्रीट हॉस्पिटल लोकेटेड है सेक्टर 87, जो कि आसपास में ही चीज़ें हैं। और गुड़गांव का सेक्टर 92 वो सेक्टर है जिसमें कि बड़े बिल्डर भी अपने पैर फंसारे हुए हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले जिस बिल्डर ने गुड़गांव को बसाया है, उस बिल्डर की सबसे ज़्यादा लैंड आ जाएगी, उस बिल्डर की बात कर रहा हूँ, DLF की तकरीबन सेक्टर 92 के अंदर जो लैंड है वो आ जाती है यहाँ पर 100 एकड़ के आसपास, जिसमें कि लो राइज टाउनशिप बनी हुई है बिल्कुल जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है GLS का, इसके साथ में। बाकी जो एक और बड़ा बिल्डर है वो आ जाता है यहाँ पर बेस्टेक का प्रोजेक्ट आ जाता है बाई नेम बेस्टेक संस्कृति 92 के अंदर ही। और 92 के अंदर जो मॉल आ जाते हैं, 3 मॉल आ जाते हैं, एक आ जाता है AMB बिल्डर का बाई नेम सेल्फी स्ट्रीट, और सेकंड आ जाता है सफायर 92 के अंदर, और थर्ड मॉल आ जाता है हमारा स्पेस बिल्डर का ट्री स्टार, जो कि 92 के अंदर ही लोकेटेड है। तो और मेन 84 मीटर रोड पे ये सारी चीज़ें लोकेटेड है, और जो हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा वो 24 मीटर रोड पे लोकेटेड रहेगा GLS। और सबसे अच्छी चीज़ें जो मैं आपको एक दोबारा बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ें ये हैं कि 2 साल के अंदर ही इसका पजेशन है और 2 ही टावर हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाएगी विद पार्किंग, 4 व्हीलर की यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाती है, 4 पहियों की पार्किंग के साथ 2 BHK और 3 BHK के यहाँ पर अपार्टमेंट आते हैं, 4 व्हीलर पार्किंग, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ें जल्दी से देखने को नहीं मिलती है। और मैं अभी वीडियो में लास्ट में जो है जो 81 में GLS का प्रोजेक्ट है उसकी 2+ स्टडी की सैंपल फ्लैट की वीडियो भी मेंशन करूँगा। और पेमेंट प्लान जो रहेगा इसका वही रहेगा CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा, 90% तक लोन है, अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी लोकेशन है। और मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक कि गुड़गांव के अंदर लास्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो एक अच्छी लोकेशन पे है और कम टाइम में पजेशन है। बाकी तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट अब अच्छी लोकेशन पे आने बंद ही हो गए हैं, अब कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे नहीं आएगा, आएगा तो कोई दूर की लोकेशन है या ऐसे बिल्डर का जो घिसा पिटा है, उस तरह की चीज़ें आनी है। तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी लोकेशन है, आसपास में फैसिलिटीज हैं, चाहे किसी भी तरह की आप फैसिलिटीज ले लो, बराबर में आर्मी वेलफेयर सोसाइटी है और बेस्टेक है, DLF है, सारे होम हैं, मॉल ऑपरेशन है, स्कूल ऑपरेशन है, हॉस्पिटल ऑपरेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे नज़दीक में है, NH8 नज़दीक में है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन हैं।
तो आज अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट पे जाके लोकेशन देखते हैं कहाँ पे लोकेशन है और जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है उसमें फैमिली रह रही है वो टावर देखते हैं और शुरू करते हैं 93 DLF के बाहर से अपनी साइड विजिट को। आइए चलते हैं और करते हैं वीडियो स्टार्ट। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी साइड GLS सेक्टर 92। ये इसका ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। यहाँ पे फैमिलियाँ रह रही हैं, ये पूरा कम्प्लीटली ही। इसके साथ में ये इधर इनकी मार्केट है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, और इसी के साथ में इनके दो नए टावर आ रहे हैं और एक इधर इनका ये 1 BHK के टावर हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लब बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, क्लब है। अफोर्डेबल में कम ही चीज़ें मिलती हैं कि आपको क्लब जैसी चीज़ें मिलें, तो ये क्लब बना हुआ है यहाँ पे और ग्रीन एरिया काफ़ी है इसमें। ये 1 BHK के टावर है, उधर गार्डन वगैरह भी बने हुए हैं इसमें। ये क्लब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अब हम वो लैंड देखते हैं जिसके ऊपर दो नए टावर आ रहे हैं। ये वो लोकेशन है जिस पे कि दो नए टावर आ रहे हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये दो नए टावर। और ये मैक्सिमम जगह जो छोड़ी हुई है यहाँ पे वो पार्किंग की जगह छोड़ी हुई है। ये साथ में प्रोजेक्ट है सेक्टर 92 के अंदर ही सारे होम, और एक इनका साथ में ये GLS वालों के GLS 9251 एवेन्यू, ये प्रोजेक्ट है जिसमें फैमिलियाँ रह रही हैं। और GLS जैसे कि मैक्सिमम फैसिलिटीज देता है, मैंने वीडियो में दिखाया आपको कि वीडियो में आपका क्लब अलग से बनाया हुआ है और ये टाउन हॉल है जो आप वीडियो में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और साथ में मार्केट है। तो दो नए टावर आ रहे हैं इसमें, और बराबर में जो सामने प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है ये DLF का है, DLF 91 न्यू टाउन हाइट, और इसी के साथ में लो राइज फ्लोर बन रहे हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, बिल्कुल बिल्कुल साथ में। और आसपास की अगर बात करता हूँ, ये सामने जो प्रोजेक्ट है ये आर्मी वेलफेयर सोसाइटी शांति विहार है। ये थी इसकी लोकेशन। आइए अब एक नज़र डालते हैं जो सेक्टर 81 में GLS का 2+ स्टडी का सैंपल फ्लैट है उसके ऊपर। ये सैंपल फ्लैट है GLS 81 2+ स्टडी का, आइए देखते हैं कम्प्लीटली ही। काफ़ी अच्छा शानदार अपार्टमेंट बनाया हुआ, ये एंट्रेंस करते ही आ जाता हमारा ड्राइंग और डाइनिंग, ये ड्राइंग और डाइनिंग आ जाता है। हम इस एंगल से देख रहे हैं, अभी उस एंगल से भी देखेंगे। ये ड्राइंग डाइनिंग है और ये यहाँ पे किचन आ जाती है, ये किचन है, और ये ड्राइंग डाइनिंग के साथ में यहाँ पे बालकनी आ जाती है, और उससे पहले आ जाता है हमारा ये स्टडी, ये स्टडी स्पेस आ जाता है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, स्टडी स्पेस है। और अब चलते हैं हम बेडरूम की साइड। सबसे पहले हम यहाँ से खड़े होके देखते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम। ये फर्स्ट बेडरूम है जिसका कि साइज 10x12 का आ जाता है, 10x12 का साइज है ये, विद बालकनी रहेगा। कम्प्लीटली ही दिखा देता हूँ बेडरूम आपको,
10 बाई 12 का बेडरूम है ये। और ये कॉमन वॉशरूम है, एक अफोर्डेबल में भी आप क्वालिटी देख सकते हैं वॉशरूम की कितनी अच्छी लगाई है। और ये है मास्टर बेडरूम, ये आ जाएगा हमारे 11 बाई 12 का साइज विद अटैच बैल्कनी एंड वॉशरूम। ये यहाँ पे वॉशरूम है। ये हमारा बेडरूम, और ये दिया बालकनी आ जाएगी जो कि दोनों बेडरूम के साथ में है। ये पूरा बेडरूम है। और एक बार हम बाहर निकलते हुए देखते हैं ड्राइंग डाइनिंग, ये हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारा ड्राइंग और डाइनिंग है ये पूरा ही कंप्लीट, जो कि आ जाएगा हमारा। या अगर इसकी साइज की बात करते हैं 18 बाई 12 का ड्राइंग डाइनिंग। और ये स्टडी बताया था, स्टडी स्पेस, तो ये थी कंप्लीटली ही सैंपल फ्लैट की डिटेल्स।